जो भी यू कांड होया यो मैं मना करया जिम्मेवारी लेऊं। तो मतलब आप जिम्मेवारी ले रहे हैं इस गोली कांड की? हाँ जमा सर, हम पहले निकाल रखी है, अब तो पहले कह रखी थी, इंस्टाग्राम पर वीडियो पड़ी है मेरी सारी की सारी, एक एक वीडियो जाकर चेक कर ले, 7 दिन पहला वीडियो पा रखी की तेरा गोली लगेगी और यू आज बच गया है। और एक और चीज कहने लग रहे मैं, अगर प्रशासन इसमें पुलिस मेरी हेल्प नहीं करती है ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करता 24 घंटे के खिलाफ अंदर अंदर इन गिरफ्तार नहीं करती है तो जो मैंने आज तक वीडियो पाई है ना अपनी सोशल मीडिया उत्ते पाई पोस्ट नूं लै के दो तिरां अमो सामने हो गईयां ने। दस दिए कि विदेश दे विच बैठे एक शख्स ने दुकानदार दे उत्ते फायरिंग करवा दित्ती है। तां दस दिए कि दुकान दे उत्ते ताबड़तोड़ 3 बदमाशां दे वल्लों गोलियां चलाईयां गईयां ने ते इन्हां गोलियां चलाउण दी जिम्मेवारी जो है विदेश दे विच बैठे एक करण मोड़ी नामक शख्स दे वल्लों लई गई है। हालांकि उसने लाइव होके एक गोलीबारी करवाउण दा कारण भी दस्या। तो दस दिए कि करनाल तो एक खबर सामने आई है जिते कि एक दुकानदार दे उत्ते फायरिंग हुई है। हालांकि गनीमत रही है कि दुकानदार इस दे विच वाल वाल बच गया, पर इस घटनाक्रम तो बाद जिस बदमाश दे वल्लों इन्हां गुंडियां नूं भेजा गया सी उस दे वल्लों लाइव होकर जिम्मेवारी ली है, जिस दे विच उसने कहा कि दुकानदार दे नाल उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है। तो पहला इस दुकानदार ने उसके मापियां नूं घर जाके डराया धमकाया, जिस दे कारण उस दे वल्लों पुलिस नूं भी शिकायत दी गई, पर पुलिस दे वल्लों भी जदों कोई कार्रवाई ना की गई तो अख के उस नूं इह कदम चुकना पिया। तो दस दिए कि बदमाश दे वल्लों इह वॉइस मैसेज जो है वह रिकॉर्ड करके भेजा गया, जिस दे विच साफ वह पुलिस प्रशासन के उत्ते इल्जाम ला रहा है। तो नाल ही उसने हुण भी पुलिस प्रशासन नूं चेतावनी दी है कि जेकर इस दुकानदार दे उत्ते कार्रवाई ना की गई तो वह 24 घंटे के अंदर कुछ अजिहा करेगा जिस दे नाल सारयां नूं हत्थां पैरां दी पै जाएगी। तो दस दिए कि सोशल मीडिया के उत्ते पाई पोस्ट नूं लैके यह सारा विवाद होया। दुकानदार दे वल्लों उस करण मोड़ी नामक शख्स के उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि करण मोड़ी दे वल्लों दुकानदार दे उत्ते इल्जाम लगाए गए हैं। जो भी यो कांड होया यो मैं मना करया जिम्मेवारी लेऊं। तो क्यों चलाई गई गोलियां, क्या लगता है कि गलत है गोली चलाना किसी पे? मैं आपको प्रूफ भेजने लग रहा फोन पे, अभी जो इस आदमी ने पोस्टे पा रखी कंगना रानावत के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ और देश के अपने जो हिंदू धर्म के भाई है ना उनको टारगेट कर रखा इस आदमी ने, यहाँ तक की लड़कियों को तंग कर रखा, तब इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं। आप ये बताओ, आप नजदीक के गांव के हो और उंगत गांव का ये लड़का जो अपने यहाँ पर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कन्फेक्शन की दुकान कर रहा है, हाँ जी, लेकिन आपको लगता है कि गलत है गोली अगर लग जाती तो क्या होता? मेरे घर पे जाके इस आदमी ने, मैं अपने घर से 12 साल से मैंने पूरे भारत के लोग लग रहे हैं सुनन करनाल का प्रशासन हो चाहे कोई हो, 10 बंदों को लेके इस आदमी ने घर जाके मेरे माँ बाप को डराया धमकाया, उनकी वीडियो बनाई, आप CCTV फुटेज चेक करो, इसने खुद वीडियो बना रखी है मेरे बाप की। मैंने इसके फैमिली को टारगेट नहीं किया, इसके बाप को टारगेट नहीं किया, इसकी माँ को टारगेट नहीं किया, इसकी वाइफ को टारगेट नहीं किया, इस आदमी का क्या मतलब है मेरे परिवार को? तो पुलिस में शिकायत दी जा सकती थी इसकी, SP करनाल के पास मैंने प्रूफ भेजे सारे, SP करनाल की जाके चेक करो, तो रिकॉर्डिंग परिवार की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से शिकायत क्यों नहीं दी गई पुलिस को? जी सीतामाई जो हमारा थाना पड़ता है वहाँ के जो मुंशी साहब हैं उनके खिलाफ मैंने खुद शिकायत दर्ज कराई है जाके। आप ये बताओ, देखो गोली चलाई गई है, कहीं राउंड गोलियां चलाई गई है, किससे गोली चलाई, उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा, उनकी भी जिंदगी खराब होगी, वो तो पता लग जाएगा जी किना चलाई है, मैं लग रहा मानना चलवाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आप जिम्मेवारी ले रहे हैं इस गोली कांड की? हाँ जमा सर, हम पहले निकाल रखी है, अब तो पहले कह रखी थी, इंस्टाग्राम पर वीडियो पड़ी है मेरी सारी की सारी, एक एक वीडियो जाकर चेक कर ले, 7 दिन पहला वीडियो पा रखी की तेरा गोली लगेगी और यू आज बच गया है। और एक और चीज कहने लग रहे मैं, अगर प्रशासन इसमें पुलिस मेरी हेल्प नहीं करती है ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करता 24 घंटे के खिलाफ अंदर अंदर इन गिरफ्तार नहीं करती है तो जो मैंने आज तक वीडियो पाई है ना अपने ग्राहकों को सामान देने लग रहा था, तो ये मेरी साइड से मेरे गांव की तरफ से एक मोटरसाइकिल आई जिसमें 3 लोग सवार थे और काला कपड़े से मुंह ढके हुए थे और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल हुए थे, उन्होंने ना 6 राउंड फायर किया जिसमें से 4 फोके पुलिस वालों को बरामद करवा भी दिया है हमने। तो जनाब आपने लोग देख भी लिया होगा, अभी करण मोड़ी ने लाइव जिम्मेवारी भी ली है, तो मैं साफ कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, या तो मेरे उसको उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए
अन्यथा फिर मेरा गांव मेरे साथ खड़े होकर अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करेगा। गोलियां चलाना गलत है, लेकिन उन्होंने करण मोड़ी ने लाइव में ये भी बताया, फोन पर बातचीत में भी बताया कि कोई आप भी उनके घर जाकर उनके माँ बाप को धमका रहे थे, कुछ ऐसी अगर किसी का बच्चा गलती करता है क्या उसके माँ बाप को नहीं बोलनी चाहिए? ये आप खुद सोच के बता सकते हो। अगर मैं गलती करता हूँ तो क्या लोग मेरे घर पे नहीं आएंगे? मेरे माँ बाप को बेदखल कर रखा है 12-13 सालों से, बेदखल कर रखा है तो पिछली अभी पीछे बार आया था तो क्यों अपने घर पे गया था? आया था तो अपने पिछली बार क्यों अपने घर पे गया था? क्यों छुप छुप के अपने घर वालों से मिला था? जब इतनी बात थी तो नहीं जाना चाहिए था। अगर तेरे घर वालों ने बेदखल कर रखा है तो तेरे पिताजी ने हमारे को कागज क्यों नहीं दिखाए? उन्होंने बेदखली के कागज दिखाने चाहिए थे पुलिस प्रशासन के पास, उन्होंने थाने में जमा करवा देने चाहिए थे कि भी ये मैंने ना अपनी तरफ से बेदखल कर दिया। पंचायत भी हुई थी, पंचायत हुई थी कि हमारे गांव में जो रामफल का लड़का है मोनू पंकज और उसका भाई सोनू जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उन्होंने ये सारे खेल करवा रखे हैं। अगर उनको आमने सामने करने तो मेरे आमने सामने आके बात कर लेते, या मेरे से बहस कोई निकाल ले तो सीधा मेरे घर वालों से बात करते किसी भी मैटर को लेके। ये कौन सा तरीका कि मेरे को पूरे गांव में बदनाम, मतलब पूरी दुनिया में बदनाम करने का? ऐसे तो मैं बदनाम नहीं हो जाऊंगा, पूरे मेरा भी कुछ, मेरे को मेरी भी इज्जत है, मेरे को भी लोग जानते हैं कि भी मेरा क्या स्वभाव है, कैसा मैं बनता हूँ। पहले भी 3 तारीख को मेरे ऊपर हमला हुआ है, यहाँ से काउंटर से उड़ा के 4 बंदे ने है ना मेरे ऊपर हमला किया था। उस दिन भी मैंने ना हल्के में छोड़ दी थी, तो FIR दी थी मैंने, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मेरे को अब उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई। हमले ऐसा है जी, नवंबर के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में जो भारत की हार हुई थी, मैं भारत की नहीं कहूँगा, वो भारत के मैच जो खेलते हैं उनकी हार हुई थी जो, तो उसमें पंकज सनोप रामफल ने जो बात व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, वो लगाया था कि भारत के 33 करोड़ी देवता कहाँ चले गए जो भारत को मैच भी नहीं जिता पाए, ऐसे पाखंड पाठ पूजावाद से आप बचो। हमारे पाठ पूजा से उसको क्या मतलब, इससे भारत के मैच का क्या लेना देना? इस सिर्फ हमने इतनी बात है ना पूरे गांव को समाज को लेके उसके घर पे गए थे, मतलब इंस्टाग्राम पर को पोस्ट डालने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था। हाँ हाँ, तो हमने हमारा बकायदा इसमें राजीनामा हो चुका था, रणबीर भाई जी है, रणबीर भाई ने हमारा राजीनामा करवाया था, गांव के लोग मौजूदा जो मौजूदा गाँव का मामला है, रंजिश खत्म होनी चाहिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ, मैंने शुरू से ही बोल रखा है कि मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और ना ही मेरा इस चीज से, मैं बाल बच्चेदार आदमी। रनौत का क्या मामला है, उसकी फोटो भी? कंगना रनौत, देखो देखो ऐसा है, हर बंदे की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है, कोई पॉलिटिक्स के ऊपर किसी के लिए बोलता है, कोई किसी के। अब कंगना रनौत है तो इसका मतलब मैं उसका गुलाम थोड़ी हूँ कि कंगना रनौत का मेरा देना क्या मतलब? मैं किसी के खिलाफ भी बोल सकता हूँ, आजाद व्यक्ति हूँ, आजाद भारत में रहता हूँ, तो मैं बोल भी सकता हूँ इस चीज़ औरतों को लेकर मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगे, लेकिन वो एक भी सबूत है ना दिखा नहीं पाया पूरी दुनिया को। अब वो हर जगह बदनाम हो रहा है, हर जगह उसको गालियां मिल रही है, तो वो इसलिए है ना पैसे दे देकर मेरे ऊपर हमले करवाता है, उससे जो कुछ होता है ना। लेकिन भाई निपटना भी चाहिए, बिगड़ जाएगा, दो गांव का मामला है भाई। मेरे ऊपर अगर ऐसे हमले होते रहेंगे तो मैं कब तक शांत बैठूं? अगर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करता तो मैं कब तक शांत बैठूं? उसको देशभक्त बताया जा रहा है, देशभक्त कहां से हो गया जो अपने देश के ऊपर एलिगेशन लगा के, इल्जाम लगा के कि मेरे को भारत देश के अंदर खतरा है? कितनी गोलियां चलाई उन्हें? 5-6 फायर करे। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। बाइक पे थे तीन? तीनों ने कहा पहुंचते, तो आपको लगी तो नहीं गोली? कितनी गोलियां चलाई यहाँ पे? यहाँ पे 2 चलाई। हमारे को जानकारी मिली कि यहाँ पे हमारे ऊपर फायर किए गए हैं, कोई पुरानी रंजिश बता रहे हैं ये अपनी, तो हमारे को सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुँचे, आते ही अफसरों को, एसएचओ साहब को हमने बताया और वो मौके पर पहुँच चुके हैं।